फ्रेंड्स, पनीर मसाला बनाने के लिए, पनीर चटपटा मसाला बनाने के लिए आपको, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे जो प्याज लहसुन अदरक और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लिया है तेल में और नमक डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा मैं इलायची भी डाली हूँ। अभी देखिए वो फ्राई होने के बाद अब मैं तेल में, उसी तेल में थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता डाल के अच्छे से उसको हिला रही हूँ। फिर देखिए वही जो मसाला है जो पहले मैंने फ्राई किया था उसको एक जार में ग्राइंडिंग करना है, उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। फिर देखिए वो पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से मिला देना है। और इसमें बहुत कम ऑयल जाता है। ये देखिए मैंने मिर्ची पाउडर थोड़ा डाल दिया है इसमें, हल्दी मिर्ची पाउडर थोड़ा डाल के अच्छे से इसको चलाना है हमको। जब तक मसाला थोड़ा सा भुनने हो जाए, ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से उसको फ्राई किया था। तो अभी हम ऐड करेंगे पनीर। ये देखिए पनीर ऐड करके उसमें फिर हम थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे पनीर मैंने इकट्ठे करके उसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अभी इसमें देखिए थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी पनीर के हिसाब से। फिर देखिए रेडी हो गया हमारा पनीर मसाला, पनीर चटपटा मसाला। और उसमें लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा शाही पनीर मसाला, जिससे कि ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छा बनता है। और आप सब लोग इसे ट्राई कीजिए बहुत कम टाइम में, और नो डाउट ये बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।